नहीं करना चाहिए। देखो किसी के ड्रेसिंग वेसिंग को लेने से कोई इशू नहीं, बट वीडियोज़ जो प्रोजेक्ट करते हैं वो थोड़ा सा एक जो है डिसिप्लिन वीडियो होना चाहिए। आगे चलते बच्चों, बाकी जिसकी जैसी मर्जी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हेडिंग डाल दीजिएगा फजान रूल की। अब थोड़ा सा आपस में कम्युनिकेशन क्लोज करिए। फजान रूल, बेटा मैंने कुछ बोला आपसे, फजान रूल। पॉइंट नंबर वन, इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। धरती का कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% कोवेलेंट और कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता। उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर रहते हैं, बस वो सेम एटम के बीच नहीं बना होना चाहिए। जैसे H2 हो गया तो वो तो प्योरली कोवेलेंट ही है। अब ध्यान पूर्वक एक एक बात को देखना। टारगेट समझ में आया, हम आयनिक बॉन्ड में क्या पढ़ेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर। सबको क्लियर हुआ? अब जरा देखें, ठीक है, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, आयंस में एक कैटायन होता है और एक क्या होता है, थोड़ा डिसिप्लिन में बैठिएगा, आजू बाजू बात मत करिएगा। ये न्यूक्लियस दिखा रहा है और जो इसके ऊपर चार्ज मौजूद है वो चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? चार्ज डेंसिटी। मैंने पूरा नेगेटिव 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 कर दिया, यानी एनायन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और कैटायन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैटायन एनायन से साइज में जनरली छोटा होता है, एक्सेप्ट ऑफ, रिपीट मत करिए, एक्सेप्ट ऑफ CaF2। CaF2 एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जहां पर रेडियस ऑफ कैटायन जो है वो बड़ा होता है रेडियस ऑफ एनायन से। बोलिए मत, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बोलना ना पड़े। अब जरा देखिए, अगर यहां पर हम लोग देखें तो कैटायन एनायन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि दोनों पर अपोजिट चार्जेस मौजूद है। अगर अट्रैक्ट करेगा तो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसकी तरफ बढ़ जाएगी, और जब थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ बढ़ जाएगी तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा कौन, उसका न्यूक्लियस, क्योंकि उसकी खुद की चीज दूसरे के पास जा रही है। मान लो तुम्हारे पास कोई चीज है और मैं जाके उसको खींचने लगूं अपनी तरफ, तो दे दोगे? आप उसको बचाने की कोशिश करोगे ना, सिंपल सी बात है। तो जरा देखें, कैटायन एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर क्या एग्जर्ट करता है, अट्रैक्शन, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी किसकी तरफ खिंच जाती है, कैटायन की तरफ। पहले देखो सर्कुलर पाथ पे थी, अब थोड़ा सा किसकी तरफ चली गई, कैटायन की तरफ, तब उसका न्यूक्लियस एक्टिवेट होता है, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, वापस आओ वापस आओ वापस आओ, न्यूक्लियस इसको वापस खींच लेता है। बट फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैटायन की तरफ शेयर हो गया कि नहीं हो गया। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी ये जो प्योरली आयनिक बॉन्ड था उसमें थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया। इस बात से पूर्णतः एग्री करते हो या कोई क्रॉस क्वेश्चन है? एग्री करते हो, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि अट्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ चला जाता है, कैटायन की तरफ, और आयनिक बॉन्ड में क्या डेवलप हो जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो अब हम यहां पर लिखिएगा, due to attraction a small amount of negative charge density is attracted towards the cation, due to attraction a small amount of charge density is attracted towards the cation, is attracted towards the cation, ब्रैकेट पेंटिकुलर चेन,
थोड़ा सा शेयर हो गया, ब्रैकेट बंद, दैट्स वाई कोवैलेंट कैरेक्टर अराइजेज इन आयनिक बॉन्ड, दैट्स वाई कोवैलेंट कैरेक्टर अराइजेज इन आयनिक बॉन्ड। क्लियर हो गया? ठीक, नजर ऊपर। अब दो बातें ध्यान से सुनना, पहला सुनना पोलराइजेशन। पोलराइजेशन है कैटायन जो एनायन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है ना, उस घटना को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। और दूसरा एक शब्द सुनने को मिलेगा तुमको, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है खींच जाना, खींच, जैसे मैंने इनका हाथ पकड़ खींच लिया, तो मैंने खींच लिया और ये खींच गई, आया ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ खींच गया, इसने इसको खींच लिया, समझ में आया क्या? कैटायन ने एनायन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लिया, एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनायन से कैटायन की तरफ खींच गई, तो पोलराइजेबिलिटी किसके संबंध में बताया जाता है? एनायन के। और पोलराइजेशन किसके संबंध में बताया जाता है? कैटायन। हाँ या ना? तो मैं दो शब्दों का यूज करूंगा बार बार, पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी, दोनों के बारे में तुम्हें क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है? फटाफट लिंक कर लीजिए एक दूसरे के साथ। तो देखो, किसी भी आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर को तीन मेन चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तीन मेन चीजों में, सबसे पहली चीज कौन है? देखिए, केस वन है साइज ऑफ कैटायन। अगर हम साइज ऑफ कैटायन की बात करें तो जरा देखते जाना, कैटायन जितना छोटा होगा उस पर चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा। तो अगर कैटायन के संबंध में बात करें, साइज क्या हो? कम हो, तो उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। तो खींचने की ताकत भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। खींचने की ताकत को हम क्या बोलेंगे साइंटिफिक लैंग्वेज में? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या हो जाएगा? ज्यादा। और अगर पोलराइजेशन ज्यादा हो गया तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा। और आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम। यहां देख लीजिए, अगर ये इसको ज्यादा खींचेगा प्राची, अगर ये इसको क्या करेगा? ज्यादा खींचेगा, यानी ये इसको क्या करेगा? ज्यादा खींचेगा, तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ बढ़ जाएगी ना, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ बढ़ जाएगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा। नहीं समझा? तो पहला कारण जो था वो क्या था? साइज। साइज कैटायन की जितनी छोटी होगी उस पे चार्ज डेंसिटी उतनी, और फिर वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात कर दूं LiCl, मैं बात कर दूं NaCl, मैं बात कर दूं KCl, मैं बात कर दूं RBCl, मैं बात कर दूं CSCl, इनमें अगर आप गौर पूर्वक देखो तो सब में एनायन फिक्स है। एनायन सब में कौन है? क्लोराइड आयन है। लेकिन जो कैटायंस हैं वो कौन है? अलग अलग हैं। एक बार कौन है? Li+, एक बार कौन है? Na+, एक बार कौन है? K+, और Rb+, और क्या है? CS+। अगर हम सरफेसियल नजरों से देखें बातों को तो पता लगेगा कि सब पे चार्ज सेम है, लेकिन थोड़ा गहराई में घुसोगे तो पता लगेगा कि सब पे चार्ज दिखने में तो सेम है बट एक्चुअली सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम है तो बता देता हूं। अगर तुम टॉप टू बॉटम जाओगे तो टॉप टू बॉटम जाने पर कैटायन की साइज जो है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। साइज बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कम होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा, उल्टा सीधे जवाब मत देना। तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो पोलराइजेशन पावर, खींचने की ताकत, मैंने तुम्हें दो टर्म्स के बारे में बताया, पहला बताया पोलराइजेशन, दूसरा बताया पोलराइजेबिलिटी। तो जरा देखो कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगी, तो पीपी मतलब पोलराइजेशन पावर क्या हो जाएगा? कम। पोलराइजेशन पावर कम हो जाएगा तो खींचने की ताकत, खींचने की ताकत कम हो गया तो कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो गया तो आयनिक कैरेक्टर
यानी अगर तुमसे कहे कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर लिखो तो सबसे जबरदस्त कोवेलेंट करेक्टर यहाँ होगा, फिर यहाँ और फिर यहाँ और फिर यहाँ, और सबसे कम यहाँ होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से अगर मैं लिख दूँ आपसे कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है BESO4 और MGSO4 और CASO4 और SRSO4 और BASO4, इसमें भी अगर आप ध्यानपूर्वक देखो तो एनायन वेरी नहीं कर रहा है। सारे केसेस में जो एनायन है वो कौन है? सल्फेट आयन। अगर सल्फेट आयन है तो ध्यानपूर्वक देखो तो हम इसको यहाँ पे एक साइड में लिख लेते हैं, लेकिन जो कैटायन है वो बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी लिखेंगे नहीं। रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो देखो ध्यानपूर्वक आदित्य भाई, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इनकी साइज क्या होगी? अगर इनकी साइज बढ़ेगी तो इन पे चार्ज डेंसिटी कम होगी, तो इनकी एनायन से इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत, अब खींचने की ताकत को ही साइंटिफिक लैंग्वेज में जब बोलते हैं तो ईशान भाई बोलते हैं पोलराइजेशन पावर। तो इनका पोलराइजेशन पावर क्या हो जाएगा? अगर इनका पोलराइजेशन पावर कम हो गया तो कोवेलेंट करेक्टर क्या हो जाएगा? आयनिक करेक्टर क्या हो जाएगा? दैट्स इट। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब थोड़ा कम शब्दों में लिखूं, आर क्या होगा? कम। तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा? नहीं, तो आर, पहली चीज आर कम नहीं होगा, आर क्या होगा? बढ़ेगा। तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा? पक्का ना? मैं कम लिख दूं तो कम, मैं ज्यादा लिख दूं तो ज्यादा? अटेंटिव रहो ना, ठीक है, और थोड़ा कनेक्ट रहो, अटेंटिव रहो, कनेक्ट रहो, ध्यान से सुनो, ठीक है। रेडियस बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगी, चार्ज डेंसिटी कम होगी तो पोलराइजेशन पावर कम होगा, तो कोवेलेंट करेक्टर, तो आयनिक करेक्टर। नहीं समझा? तो कोई कहे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट करेक्टर, तो यहाँ सबसे ज्यादा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, बट सबके पीछे जो फंडामेंटल बिहेवियर चलेगा वो एक जैसा चलेगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग रट्टा नहीं मारोगे, चीजों को एक स्पेसिफिक मैनर में समझोगे, फिर जितनी चीजों को याद करना पड़ता है उसे याद कर लोगे, क्योंकि सॉल्विबिलिटी वगैरह में याद करना पड़ेगा, बट मैं पढ़ाऊंगा तो मिनिमम याद करना पड़ेगा। देखो अगर कहीं लिखा है LiCl, ये पहला क्या हो गया? जब उस, हमने क्या लिखा पहला केस वन, जब साइज ऑफ कैटायन वेरी करे, क्या करे? यही तो लिखा है ना, ठीक है। अब जरा देखो एक दूसरा केस लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं? एक दूसरा केस लिख देता हूं। दूसरा केस है कि जब चार्ज ऑन कैटायन वेरी करे, क्या बोला? चार्ज ऑन कैटायन। बहुत ध्यान से देखना, और तुम्हारे पास रिवीजन का समय नहीं है, तुम रिवीजन करने वाली बैच नहीं है तुम्हारी, कि तुम घर जाओगे तो फिर एक एक अक्षर पढ़ोगे, 99% डेटा यहीं से लेके जाओगे, कुछ रिवीजन रिवीजन वाला एटीट्यूड वो 11-12 में जो है उसका रहता है, तुम्हारा रिवीजन वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, यहीं सब रट लो। देखो चार्ज ऑन कैटायन बढ़ेगा, जैसे बात करते हैं, देखो ये Na+ है, Mg+2 है, बोलो हाँ, और Al+3 है। इसको मैं ऊपर से नीचे भले लिखा हूँ, बट एक्चुअली दे डू नॉट बिलोंग्स टू अ ग्रुप, दे बिलोंग्स टू अ पीरियड। तो तुम उसको समझते हुए बिहेव करना, ठीक है। देखो अगर मैं इनकी बात करूं तो देखो इन पे चार्ज बदल रहा है, चार्ज बदलेगा तो अगर मैं ऐसे टॉप टू बॉटम मूवमेंट करता हूँ तो ये बोर्ड का टॉप टू बॉटम है, पीछे जो मैं टॉप टू बॉटम बोलता था वो बोर्ड का भी टॉप टू बॉटम था, पीरियोडिक टेबल का भी टॉप टू बॉटम था, बट दिस वन इज नॉट द टॉप टू बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल, दिस इज द टॉप टू बॉटम ऑफ ओनली आर बोर्ड। नहीं समझा? तो यहाँ टॉप टू बॉटम जाएंगे तो देखो जरा दिशा, चार्ज क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है, और चार्ज बढ़ने की वजह से जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगी? पक्का ना? साइज क्या हो रहा है? क्योंकि लेफ्ट टू पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट टू राइट मूवमेंट है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, फिर क्या आता है वर्सा? एल्युमिनियम। तो साइज क्या हो रही है? कम हो रही है। तो साइज कम होने से भी चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम।
चार्ज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगी। नहीं समझे अच्छे से? ठीक है, अब ध्यान पूर्वक सुनना मुझे, एक एक करके चीजों को एकदम गहराई तक ले जाने देना। यहां अगर मैं देखूं तो दोनों कारणों से चार्ज डेंसिटी बढ़ी, तो चार्ज डेंसिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई ना, बाकियों में सिर्फ एक फैक्टर से बढ़ता था और यहाँ दो दो फैक्टर से बढ़ा, तो इंक्रीज थोड़ा ज्यादा हुआ कि नहीं? तो अगर इंक्रीज ज्यादा हुआ चार्ज डेंसिटी में तो इनका पोलराइजेशन पावर बढ़ गया ना, तो किसी भी एनायन के साथ होंगे उसकी दैय मैय कर देंगे कि नहीं? तो अगर मैं कहूं कि ये NaCl है, MgCl2 है और AlCl3 है, तो सबसे ज्यादा एनायन सब में सेम है ना, Na प्लस भी इसको क्या करेगा पोलराइज, Mg प्लस टू भी इसको क्या करेगा पोलराइज, Al प्लस थ्री भी इनको क्या करेगा पोलराइज, लेकिन टॉप टू बॉटम जाने पर पोलराइजेशन पावर क्योंकि चार्ज डेंसिटी दो कारणों से बढ़ रही है, तो जब पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा बच्चों, डिस्कनेक्ट मत होने देना अपने आप को, तो जरा देखो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, तो कोवेलेंट करेक्टर भी बढ़ जाएगा, यानी सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर AlCl3 में होगा, उसके बाद कहाँ होगा, और उसके बाद कहाँ होगा NaCl में होगा, यानी किसी भी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करेक्टर कैसे बदलेगा इसके बारे में मैंने दो पॉइंट बताया। एक पॉइंट और बचा हुआ है, दो पॉइंट में क्या क्या था, पहले था साइज ऑफ कैटायन, दूसरा क्या था चार्ज ऑन कैटायन, पहले केस में साइज वेरी कर रहा था, दूसरे केस में चार्ज वेरी कर रहा है, तीसरा केस है चार्ज साइज ऑफ एनायन, जो केस थ्री है वो है साइज ऑफ एनायन, क्या है बच्चों रेडी, साइज ऑफ एनायन को जरा गौर पूर्वक सुनना, जैसे ही एनायन की साइज बढ़ेगी तो इसके इलेक्ट्रॉनों की इसके न्यूक्लियस से दूरी, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ गया अभी ये, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक टिकता है क्या, बीच में आके कोई दूसरा बाजी मार ले जाता है, हाँ तब फिर क्या बन जाता है कि आई लव तब वो हो जाता है आई लव यू टू बट एज ए फ्रेंड, तो देखो ध्यान से, जब इसका डिस्टेंस बढ़ गया तो अब इसके न्यूक्लियस का इस पे होल्ड, तो डिस्टेंस बढ़ने पे होल्ड कम हो जाता है, तो जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉनों पे होल्ड कम हुआ तो कैटायन इससे इलेक्ट्रॉन खींच डालेगा कि नहीं खींच डालेगा, तो ज्यादा खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा, ज्यादा खींच लिया तो ज्यादा शेयर कर लिया, ज्यादा शेयर कर लिया तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट करेक्टर, ज्यादा खींच लिया तो ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर आ गया, कम खींच लिया तो कम कोवेलेंट करेक्टर आ गया, आई बात समझ में कि नहीं अच्छे से पक्का, तो जो बड़ा एनायन होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी बड़ा एनायन ज्यादा होगी ना, पोलराइजेबिलिटी मतलब खींच जाना, देखो रटना मत, बहुत ध्यान से सिस्टमैटिकली इसको समझना, पोलराइजेशन का मतलब है खींच लेना, पोलराइजेबिलिटी का मतलब है खींच जाना, तो जब एनायन बड़ा होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच जाएगा ना, और जब ज्यादा खींच जाएगा तो कोवेलेंट करेक्टर क्या हो जाएगा ज्यादा, नहीं समझा, फिर से रिपीट करूं, देखो अगर इस एनायन की साइज क्या होगी बड़ी, तो एनायन के न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉनों पे होल्ड क्या हो जाएगा कम, और जब होल्ड कम हो जाएगा तो कैटायन उससे इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींच लेगा, ज्यादा खींच लेगा तो कोवेलेंट करेक्टर क्या हो गया ज्यादा हो गया, तो तीसरा जो डिपेंडेंसी है कोवेलेंट करेक्टर का है वो किस पर है, साइज ऑफ एनायन, तो जब भी कभी किसी एनायन का जो रेडियस है वो बढ़ता है तो पोलराइजिबिलिटी बढ़ती है, पोलराइजिबिलिटी बढ़ जाती है, और पोलराइजिबिलिटी बढ़ जाएगी तो जो हमारा कोवेलेंट करेक्टर है वो बढ़ जाएगा और जो आयनिक करेक्टर है वो घट जाएगा। अब देखो क्वेश्चनों का भरमार लगा देता हूँ, टेंशन ना लो, जैसे मान लो कि हमारे पास कहीं है LiF और है LiCl और है LiBr और है LiI और क्या है LiI, कनेक्ट हो पूरे अच्छे से, ध्यान से सुनना बातों को, थोड़ा डूब के सुनो देखो क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में मुंह उठा के कहीं भी आ जाता है, तो ध्यान से देखना,
अब यहाँ पर पिछले केसेस में एनायन कांस्टेंट था, कैटायन बदल रहा था, यहाँ पे कैटायन कांस्टेंट है और एनायन बदल रहा है। तो चलो, तो देखो एनायन कौन है, एफ माइनस Cl- Br- इससे खींचने वाला हर केसेस में कौन है, Li। तो देखो जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज, तो साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस से डिस्टेंस, तो पोलराइजेबिलिटी, ये बात सबको समझ में आता है, पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर, तो आयनिक कैरेक्टर, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें होगा और सबसे कम उसमें होगा, यानी छोटा एनायन आयनिक करेक्टर को फेवर करता है और बड़ा एनायन कोवेलेंट करेक्टर, ऐसा रट्टा नहीं मानना है, क्योंकि बड़े एनायन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस, जब न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो उसको वो आसानी से खींच सकता है, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। नहीं समझा, ठीक है और क्वेश्चन ले दूंगा, अभी अभी सुनते चलो एकदम मस्ती वाले मूड में। देखो और देखो कि आपको आज यहां से जा करके हंसते हुए जाना है, होमवर्क लेके नहीं जाना है कि रिवीजन करना है, रिवीजन नहीं करना है, कुछ काम करना है प्रोडक्टिव। देखो अब जरा ध्यान पूर्वक देखना, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया Li टू SO4 और मैंने लिख दिया Li NO3 और मैंने लिख दिया Li OH और मैंने लिख दिया Li और मान लीजिए लिख दिया मैंने Li सपोज लिख दिया F या Cl या Br कुछ भी लिख देता, इस तरह से मैंने एक एग्जांपल दे दिया और मेरा टारगेट क्या है इसमें, कोवेलेंट करेक्टर पता लगाना या आयनिक करेक्टर पता लगाना, टारगेट क्लियर है सबको, ठीक है। तो अगर सबको टारगेट क्लियर है तो आगे जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो कैटायन तो बदल नहीं रहा है, और अगर कैटायन बदल नहीं रहा है तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो बदलता नहीं उससे थोड़ी फैसला होता है, फैसला किससे होता है, जो बदलता है। तो देखो यहाँ पे जो एनायन था वो सल्फेट था, यहाँ पे जो एनायन है वो नाइट्रेट है, यहाँ पे जो एनायन है हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे जो एनायन है फ्लोराइड। अगर मैं तुमसे फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन एटम होता है, आयन्स को क्या बोलते हैं, फ्लोराइड। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें कौन सा एनायन सबसे बड़ा है तो साफ साफ दिख रहा है सल्फेट में 5 एटम है, नाइट्रेट में 4 और हाइड्रोक्साइड में और फ्लोराइड में, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई नहीं है जो ये न जान पाएगा कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इनकी क्या हो रही है, कम, तो पोलराइजेबिलिटी सबको कम लग रहा है ना, समझ में आ रहा है इसका मतलब, पोलराइजेबिलिटी कम हो जाएगी और जब पोलराइजेबिलिटी कम हो जाएगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम खींचेगा ना, पोलराइजेबिलिटी कम हो गई यानी वो कम खींच रहा है, दो शब्द है, खींच रहा है, खींच रहा है, हाँ या ना, पोलराइजेशन का मतलब खींच रहा है, पोलराइजेबिलिटी का मतलब खींच रहा है, दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, चक्कर आए तो बता देना। आयनिक करेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा, इसका मतलब सबसे जबरदस्त कोवेलेंट करेक्टर प्राची यहाँ पे है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये हमने किसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, कोवेलेंट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो अच्छे से, अच्छा बंद कर दो या मुझे जो कह रही वो कर दो, भाई सबका ख्याल रखो, पूरी क्लास में अगर किसी की तबीयत खराब है तो उसको अपन ऐसे इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि अगर उस जगह पे अपन हो जाए तो क्लास में ही नहीं, मानवता इस हद तक मर चुकी है कि दिल्ली में एक एक्सीडेंट हुआ और साउथ एक्स वाले एरिया में, मतलब जो दिल्ली का थोड़ा हाई फाई एरिया है, लोगों ने उसको देखने के बजाय उसका लैपटॉप, उसका चेन, उसका घड़ी, उसका फोन स्नैच करके लेके चले गए, मर गया वो आदमी, मर गया वो। तो इतनी तो साहस आदमी में होना चाहिए और इतनी मोरालिटी भी होनी चाहिए कि वो दूसरे की समस्याओं को क्या कर सके, रियलाइज कर सके,
और जो दूसरे की समस्या को रियलाइज नहीं कर सकता, ब्रह्मांड या पूरा नेचर उसके लिए कभी भी अपना दरवाजा खोलता नहीं, किसी न किसी रूप में उसके लिए कुछ न कुछ समस्याएं क्या करता रहता है, अराइज। तो मैं तो देखो बहुत फाइटर आदमी हूँ, हम लोग कॉलेज टाइम में कहीं से एक बार आ रहे थे, एक आदमी ऐसे रोड पे पड़ा हुआ था, सब तमाशा देख रहे थे, मैं और मेरा एक दोस्त था, हम लोग उसको उठा के ले जाके ग्रेटर नोएडा कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जब वहाँ उठा के उसको वहाँ लिटाया ना, तो देखा पूरा स्कल्स खुले हुए थे, लगभग 56 स्टिचेज आए, मतलब मुझे लगा अगर हम लोग ना पहुँचे होते तो वो मर जाता वो आदमी। फिर उसके घर वालों ने बहुत कृतज्ञता व्यक्त की, और हम उसकी बहुत सारी बसेस वगैरह चलती थी, तो हम लोगों को कॉलेज का कुछ प्रोग्राम वगैरह कुछ करना हुआ तो अपनी बसेस फ्री में दे देते थे हमें, और बहुत अच्छा भी है रखा है, क्योंकि वो उनको लगे भाई सब लोग तमाशा देख रहे हैं तो कुछ लोग आगे बढ़ के मेहनत किए। तो कभी भी कोई समस्या में हो तो बिल्कुल वहाँ से मुंह बिदका के खिसकने के बजाय एफर्ट लेना चाहिए, ये एक इंसान में होना चाहिए। खैर, सरकार देखें, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो हम लोगों ने एक बेसिक स्ट्रक्चर जो था उसको क्लियर कर लिया। अब तुम दिमाग में देखो कि क्या तुम्हें क्लियर हो पाया कि नहीं। तीन ही तरह से वेरिएशन कर पाएगा एग्जामिनर, कोई चौथा वेरिएशन वो कर ही नहीं सकता। पहला वेरिएशन करेगा, कैटायन पर चार्ज वेरी करा देगा। दूसरा, कैटायन को वेरी करा देगा, कैटायन की साइज वेरी करा देगा। और तीसरा, एनायन की साइज वेरी करा देगा। कैटायन की अगर साइज वेरी कराएगा तो कैटायन जितना छोटा होगा उसका पोलराइजेशन पावर उतना ज्यादा होगा, कोवलेंट करंट उतना ज्यादा होगा। कैटायन पर अगर चार्ज वेरी कराएगा तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतना पोलराइजेशन पावर होगा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगा उतना बढ़िया कोवलेंट करंट होगा। और एनायन की साइज अगर वेरी करा रहा है तो एनायन की साइज जितनी बड़ी होगी उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और उसकी पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी कोवेलेंट करेक्टर उतना ज्यादा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आया है अच्छे से? ठीक है, अगर आया है तो अब मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन से भर दूं बोर्ड, फिर तुमसे एक एक करके क्या ले देता हूँ, जवाब ले देता हूँ। सबके पीछे जो लॉजिक वर्क करेगा वो वही वर्क करेगा जो हमने क्या किया है, सीखा है। ध्यानपूर्वक सावधानी से चलें और बातों को बताते चलें। सबसे पहले मैं लिखता हूँ, बात नहीं करें, अरेंज देम इन, आप सावधानी से बैठे रहिए, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन पावर। सबसे पहले दिया है Fe+3, फिर दिया है Fe+2, फिर दिया है Fe+, ऑप्शन नंबर टू में दिया है Sn+4, शांत रहना, Sn+2, ऑप्शन नंबर थ्री में दिया है Li+, Na+, K+, और उसके बाद दिया है Rb+, Cs+ दिया हुआ है। उसके बाद हमसे कह रहा है कि ये किसके हो गया, पोलराइजेशन पावर, फिर कहता है अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी। N पे -3 दिया है और N पे -2 दिया है और N पे -1 दिया है, और दूसरे क्वेश्चन में हमको O पे -1 दिया है, O पे -2 दिया है और O पे +1 दिया है, और तीसरे में हमें F-Cl-Br-I- दिया है, चौथे में हमें NO3 पे माइनस दिया है और सल्फेट आयन दिया है, पांचवें में हमें सल्फेट आयन दिया है और C2O4 पे -2 ऑक्सलेट आयन दिया है, और छठे में हमें कुछ नहीं दिया, अपने मन से ही बनाना होगा, सल्फेट आयन दिया है, ऑक्सलेट आयन दिया है, ClO4 पे माइनस दिया है। इस आयन का नाम कोई बता सकता है, ClO4-? राइट आंसर पर क्लोरेट आयन, समझे क्या? ठीक है, अब चलो एक एक करके आप लोगों से पूछते हैं। चलो भाई, सबसे पहले पीछे आप खड़े जाओ। हाँ, इन तीनों में किसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा है? वेरी गुड, शाबाश, Fe+, +3, फिर +2, फिर +1, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज कम होगा
वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो साइज बढ़ेगी, अबे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज कम होती है, तो पॉजिटिव चार्ज घटेगा तो साइज ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, या मतलब इधर से इधर जाओगे तो साइज क्या होगी, साइज बढ़ेगी जब, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो खींचने की ताकत नहीं, समझा, उल्टा बैठ जाओ, वेरी गुड, उल्टा बोलता हूँ, इधर से इधर जाओगे तो साइज, तो चार्ज डेंसिटी, और इधर से इधर जाने पे चार्ज भी तो बढ़ रहा है, तो सारे इधर से इधर जब मूव करोगे तो चार्ज डेंसिटी को साइज भी बढ़ाएगा, चार्ज भी बढ़ाएगा, तो इन सबका जो पोलराइजेशन पावर है करेक्ट ऑर्डर होगा जो भाई ने बोला। बगल इन दोनों में किसका ज्यादा होगा भाई? वेरी गुड, अबे समझ गए क्या तुम लोग? चलो आगे, छिजल, छिजल इसमें किसका ज्यादा होगा? बिल्कुल सही जवाब है, बोलो हाँ सर, पक्का ना? ठीक है, छिजल इसमें किसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा? एल आई प्लस एम जी प्लस टू ए एल प्लस थ्री एन ए प्लस, सबसे ज्यादा किसका क्या ऑर्डर होगा? तो लिथियम और सोडियम में चार्ज डेंसिटी किस पे ज्यादा होगी? लिथियम पर, और उसके बाद किस पे होगा? सोडियम, पक्का ना? अब मैग्नीशियम प्लस टू में है और लिथियम प्लस वन में है, हाँ या ना? कितना परसेंट था? अबे कुछ तो बोलो। अब Li प्लस और Mg प्लस टू में, चलो बताओ भाई सुषमा कौन बड़ा होता है? आपने बताया था Li प्लस एक्सेप्शन, हाँ एक्सेप्शन, नौ एक्सेप्शन में से एक है। अगर हम रेडियस की बात करें तो हमें लगेगा कि मैग्नीशियम बड़ा होना चाहिए, बट वो होता नहीं, किसकी साइज बड़ी होती है? Li, तो इसकी साइज क्या है? बड़ी, साइज बड़ी है और चार्ज कम है, बोलो हाँ, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? साइज, अबे देखो थोड़ा घुमा दिया, ध्यान से देखो, साइज बड़ी है तो चार्ज डेंसिटी कम, और चार्ज भी कम है तो चार्ज डेंसिटी कम, इधर आ जाओ, साइज छोटी है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, और चार्ज भी ज्यादा है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, नहीं समझा, बोलो। ठीक है, तो देखो वो रेडियस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यानी कि उस सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा? ए एल प्लस थ्री का, और फिर किसका आ गया? एम जी प्लस टू का। सबको समझा क्या ये? एक बार और बता दूं? ठीक है, बता देता हूँ एक बार और। देखो जैसे ही मैंने इसमें थोड़ा काढ़ी किया तो थोड़ा ध्यान से फिर जवाब देना पड़ेगा। एल आई प्लस है, एम जी प्लस टू है, ए एल प्लस थ्री है, एन ए प्लस है, हड़बड़ हड़बड़ में जवाब देखो तो बात बिगड़ जाएगी। हम इतना तो जानते हैं कि एल प्लस थ्री का एम जी प्लस टू से ज्यादा होगा, बोलो, और हम ये भी जानते हैं कि इन दोनों का सोडियम से ज्यादा होगा, लेकिन आगे हम गलती कर देंगे अगर हमको ये लग गया कि इन दोनों का नहीं, गलत भी सोचेंगे तो भी आंसर सही आएगा, समझे? अगर मान लो गलत भी सोचता है कोई कि सर एम जी प्लस टू का ज्यादा आएगा, तो एक्चुअली ज्यादा आएगा, यानी यहाँ गलत सोचोगे तो भी सही आंसर आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो ये है, समझा कि नहीं समझा, बोलो। तो तुमको मालूम होना चाहिए कि Li प्लस मैग्नीशियम प्लस टू से बड़ा होता है, जबकि केवल एक सेल है, 1s2, बोलो, और मैग्नीशियम प्लस टू में कितने सेल है? 1s2, 2s2, 2p6, दो सेल है, जस्ट डबल, हाँ या ना? तो सवाल पैदा हो क्यों? क्योंकि 1s में अकेले एक इलेक्ट्रॉन का इतना जबरदस्त शील्डिंग होता है कि उतना जो है Mg प्लस टू में 9 इलेक्ट्रॉनों का नहीं होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बहुत अल्पतम दूरी में है ना, बहुत मिनिमम वॉल्यूम में उपस्थित है, 1s की साइज बहुत छोटी है ना, नहीं समझा? पता नहीं समझा कि नहीं, ठीक है, समझा तो अच्छी बात, नहीं तो 9 पॉइंट याद करा के रखा है, उसको याद रखना, कोई माइकल लाल उसको छेड़ नहीं सकता, उसमें से ही बातें फंसती हैं। तो इतनी बात अगर तुम समझ गए तो यानी तुमने इस वाले केस का जवाब दे दिया। अब पोलराइजेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो एनायन जितना बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज बढ़ती है, बोलो हाँ। इसमें क्या हो जाएगा? ओ माइनस टू, फिर ओ माइनस वन, फिर ओ प्लस, क्योंकि साइज बड़ी होगी तभी तो उससे खींचेगा। इसमें क्या हो जाएगा? आई माइनस बी आर माइनस एफ माइनस, इन दोनों में कौन बड़ा है? इन दोनों में कौन बड़ा है?
इन तीनों में कौन बड़ा है? चार एक पांच और चार और दो छह, नहीं समझा? तो सबसे बड़ा कौन है? सी टू ओ फोर पे माइनस टू, फिर सी एल ओ फोर पे माइनस, उसके बाद एस ओ फोर पे। अब इसमें भी पांच एटम है, इसमें भी पांच एटम है और इसमें भी, तो किसका नंबर पहले आ जाएगा? क्यों आ जाएगा? क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बाद नंबर आ जाएगा SO4 पे माइनस टू का, उसके बाद ClO4 पे। चक्कर आ गया, समझ में आ गया? फजान रूल अच्छे से समझा? तो समझ लो कि मून रेड हो गया तुम्हारा, पक्का। इतनी देर में मैंने एक आर्टिकल पढ़ाया, वो था किसी भी हाउ वी विल डिसाइड कोवेलेंट करेक्टर इन, हाउ वी विल डिसाइड कोवेलेंट करेक्टर इन आईनी। तो अगर आप समझ गए तो अब मैं कुछ जो भी मेरे दिमाग में आएगा लिखता जा रहा हूँ, तुम उनके जवाब देना, जिससे पूछूंगा उसको जवाब देना, केवल अटेंटिव होके सुनिए। मैं पलट के देखता हूँ, आधे लोग पेन को ऐसे ऐसे देख रहे हैं, आधे लोग इधर उधर कुछ कर रहे हैं। एक जो शार्प बिहेवियर है वो बहुत कम लोगों में दिखाई देता है, लेकिन जिनमें शार्प बिहेवियर होगा वही लॉन्ग टर्म तक चल पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे सिलेबस बढ़ता चला जाएगा। रिंकू समझा तुमको? तुम्हें मैं कोई चीज 10 बार बता सकता हूँ, तुम टेंशन फ्री रहा करो, 10 बार तक बताऊंगा, 11वीं बार नहीं बताऊंगा। तो समझ में आया? ठीक है, अब तुमसे जवाब लूंगा। देखो, मान लीजिए कि कहीं लिखा है एल आई टू एस ओ फोर, एन ए टू एस ओ फोर, के टू एस ओ फोर, आर बी टू एस ओ फोर, सी एस टू एस ओ फोर, या कहीं लिखा है एल आई ओ एच, या लिखा है NaOH, या लिखा है KOH, या लिखा है RBOH। धैर्य रखना, धैर्य रख करके जवाब देना, कुछ आता रहे तो बहुत जल्दी हड़बड़ा मत जाना, क्योंकि पूरी क्लास लेके चलना है ना। ठीक है, अगर मान लो कहीं लिखा है LiNO3, Na, NO3, डॉट डॉट डॉट, सो ऑन, CS, NO3। अगर कहीं लिखा है Li2, C2O4, Na2, C2O4 वगैरह पहचान लेते हो? हाँ। कौन से आयन है? और अगर कहीं लिखा मुस्कान C2O4, तबीयत नहीं सही है क्या बेटा? अगर कहीं लिखा है LiClO4, NaClO4 और डॉट 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 CsClO4, या कहीं लिखा है जो है LiNO2, और क्या लिखा है Na NO2 और डॉट 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 करके क्या लिख दिया CS NO2, या कहीं लिखा है Li3N, या कहीं लिखा है Na3N, या डॉट 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 करके लिखा है CS3N, या कहीं लिखा है LiN3, LiN3, LiN3 मतलब समझे एजाइड है, N3 पे माइनस, ठीक है। और ऐसे करके क्या लिख दिया है Na N3, बोलो, और डॉट डॉट करके CS N3। वैसे ज्यादा डेप्थ में जाओगे तो पता लगेगा कि सब लोग N3 माइनस नहीं बनाते हैं, तो बात की बात हो गई। अभी मैं जो जो तुम्हारे दिमाग में ड्रॉप करना चाह रहा हूँ वो ड्रॉप करने दो, क्या होता है क्या नहीं होता भाड़ में जान दो उसको। समझा नहीं समझा? ठीक है, आगे अपन चलेंगे और बात करेंगे। जैसे मान लो सब कुछ अभी ग्रुप वन का ही लिए है ना, ठीक है, अभी मैंने ग्रुप टू को छेड़ा भी नहीं है। एल आई एच सी ओ थ्री, एन एच सी ओ थ्री, और आगे जाएंगे तो क्या लिख देंगे सी एस एच सी ओ थ्री, या मान लो एल आई टू सी ओ थ्री, एन ए टू सी ओ थ्री, आगे जाएंगे तो क्या लिख देंगे सी एस टू सी ओ थ्री। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई समस्या नहीं है? आगे मैं लिख दूं एल आई एक्स, एन ए एक्स, और यहां क्या लिख दूं सी एस एक्स। हैलाइड हो सकता है, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, जो भी लिखूं, जब तक लिखूं लिखता ही जाऊं, बोलो। अब चाहूं तो जितने एग्जांपल लिखा हूं सबको बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये भी कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ। यानी ये सारे एग्जाम्पल किसके साथ करूंगा? ग्रुप टू के साथ, तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए उसे होमवर्क में आपको दे दूंगा, उसको आपको खुद करके आना है। चलो, तो हमें इनमें क्या बताना है? कोवेलेंट
कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर। खड़ी हो जाओ तुम, सबसे पहले वाले में बताओ। एल आई का सबसे ज्यादा, एल आई टू एसओ फोर में सबसे ज्यादा, फोर में घबराओ मत, सबसे ज्यादा। हॉस्टल में रहती हो तुम? अच्छा ठीक है, कौन है तुम्हारा रूममेट? अच्छा पढ़ती है ये? अच्छा ठीक है, चलो एक्सप्लेन करो कैसे। ओके पोलराइजेशन पावर कम क्यों? क्योंकि हाँ सही बोल रहे, सही बोल रहे, जस्ट जवाब दो कि साइज बढ़ने से पोलराइजेशन पावर कम क्यों होता है? ज्यादा खींच लेते तब तो पोलराइजेशन पावर बढ़ जाता। कोई बात नहीं, फिर से बोलो। घबराओ मत, सही बोल रही हो, मुझे परफेक्ट रीजनिंग दो। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज, चार्ज सब पे सेम है, सब पे प्लस वन चार्ज है। भाई अल्कली मेटल्स पे प्लस वन ही चार्ज होता है ना, बोलो तो सब पे चार्ज क्या है? सेम। और साइज क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा? तो खींचने की ताकत नहीं, चार्ज डेंसिटी कम होगी तो खींचने की ताकत कम होगी ना? पक्का। और जब खींचने की ताकत कम होगी तो कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा। रटो मत, घबराओ मत, पक्का ठीक है, बैठ जाओ। तो इसमें भी वही होगा, 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 बोलो। हाँ मून रेड हो गया। अब अगर मैं इसका सबका बेरिलियम के साथ लिख दूं तो उसमें भी वही होगा। हाँ या ना? तो दो कौड़ी का है, इसमें कोई दम नहीं। तुमको लग रहा होगा कि दम है तो बात गलत है, फिर इनमें कोई भी ताकत नहीं है। हो गया फजान रूल, अब अगले टॉपिक में एंट्री करना।